डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछले टॉपिक्स में आप लोग को हम बताए थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में। इसका मतलब हुआ था जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण। इसके बाद आज नेक्स्ट टॉपिक्स आपको हम बता रहे हैं वह है बाबू मेथड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। मेथड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो देखिए, इसका मतलब हुआ कि बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने का कौन कौन सा उपाय है। ठीक ना, तो देखिए, सबसे सिंपल सा, बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण उपाय यह है कि सबसे पहले तो लोगों को स्मॉलर फैमिली, मतलब छोटा परिवार के लिए, है ना, उसे उत्साहित करना चाहिए। लोगों को यह समझाना चाहिए कि भाई छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। ठीक ना, तो बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि लोगों को स्मॉलर फैमिली को बढ़ावा देने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, और इसे मींस प्रसारित करने का जो माध्यम होता है, आखिर स्मॉलर फैमिली क्या है, किसको कहेंगे, है ना, इसको समझाने के लिए मींस रेडियो हुआ, टेलीविजन हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, मैगजीन हुआ, पोस्टर हुआ, इन सब के माध्यम से लोगों को यह बताया जाता है कि छोटा परिवार किसे कहा जाता है, जिसमें लोगों को, आप लोग देखे होंगे, केयर किए होंगे, है ना, जिस समय फैमिली प्लानिंग आया था बाबू, उस समय आप लोग को याद भी होगा, हर एक गांव में जाकर के या तो पेंटिंग के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से या दीवार पर, है ना, प्रिंटिंग किया जाता था, है ना, छपाई, उसमें होता था क्या, तो उसमें केयर कीजिएगा, उसमें होता था क्या, बीच में गोल घेरा रहता था ऐसे करके बना हुआ, और ऊपर में सबसे पहले लिखा रहता था छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। तो भाई छोटा परिवार सुखी परिवार होगा कैसे, या छोटा परिवार कहेंगे किसको, है ना, तो इस गोल घेरे में आप देखे होंगे कि मींस फिगर, छोटा सा फिगर बना होता था। फिगर में क्या रहता था, तो इस फिगर में रहता था एक पति पत्नी और दोनों तरफ, मतलब एक मींस पति पत्नी और यहां पर दो बच्चे का डायग्राम बना होता था, और नीचे लिखा रहता था हम दो हमारे दो, है ना, मतलब बी टू आवर टू। तो भाई छोटा परिवार किसको कहिएगा, तो अगर आप पति पत्नी है तो मैक्सिमम कितने बच्चे, मात्र दो बच्चे, है ना, तो ये मींस हम दो हमारे दो के मींस कोटेशन के साथ लोगों को ये दिखाया जाता था। आज के दिनों में खासकर जो लोग वेल एजुकेटेड हो गए, है ना, पढ़े लिखे जो बहुत शिक्षित है, जो खासकर शहरों में रहते हैं, है ना, उन्होंने इसको भी बदल दिया। उनका कहना ये नहीं है कि हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू को भी उन्होंने चेंज किया, उनका अब कहना है हम दो हमारे एक, मतलब वी टू आवर वन। ठीक ना, इसके साथ उन्होंने अपना, अगर सभी मैक्सिमम व्यक्ति भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, है ना, वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, जिनको समझाया जाए, अगर इस कोटेशन को अपनाते हैं कि भाई पति पत्नी के अलावे दो बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है बाबू। ठीक ना, इन सब के अलावा भारत सरकार ने यहां पर विवाह के लिए, है ना, मींस मेल और फीमेल दोनों का एक आयु निर्धारित किया गया है। जैसे, है ना, फीमेल का जो विवाह का आयु होता है ना, वो मैक्सिमम फीमेल के लिए, है ना, विवाह की आयु कितना, है ना, तब फीमेल के लिए विवाह की आयु निर्धारित किया गया 18 से 20 साल, है ना, 20 वर्ष, मतलब 18 वर्ष से पहले फीमेल का अगर विवाह होता है या किया जाता है तो यह कानूनन अपराध है बाबू। उसी तरह से मेल के लिए भी विवाह की आयु निर्धारित की गई है ना, 21 से 24 साल, है ना, मतलब इस ड्यूरेशन में अगर विवाह किया जाए, है ना, तो यह कानूनन सही माना जाता है। लेकिन अफसोस की बात,
आज भी हमारे इंडिया में, आज भी हमारे भारत में तकरीबन 49% से अधिक है ना, 49% से अधिक है ना, फीमेल का जो विवाह होता है यह 18 वर्ष से कम में ही हो जाता है। तो जब विवाह 18 वर्ष से पहले होगा तो इसके कारण जो पॉपुलेशन है यह पॉपुलेशन 20-30% क्या होता है, यह ज्यादा इंक्रीज करता है ना। इसलिए कम से कम भारत सरकार द्वारा जो मानक तथ्य जो दिया गया है ना, विवाह का जो आयु निर्धारित किया गया वो कितना, तो अधिक से अधिक कितना, फीमेल के लिए कम से कम 18 से 20 साल और मेल के लिए 21 से 24 वर्ष होना चाहिए। अगर इससे पहले किया जाए तो वो कानूनन अपराध माना जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं, है ना। अब इसमें आपको जानना है ना कि बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए या स्मॉलर फैमिली को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से गर्भ निरोधक तरीके हैं उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक्स हम हेडिंग दे रहे हैं, लिखते हैं बाबू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना। तक कहिएगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब क्या होगा, ठीक ना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसको हिंदी में कहेंगे गर्भ निरोधक तरीके या कहिए विधि, है ना, गर्भ निरोधक विधि। तो सबसे पहले यहां पर आपको यह जानना है कि आखिर यह कॉन्ट्रासेप्टिव है क्या, गर्भ निरोधक किसको कहेंगे, ठीक ना। तो देखिए यह वह विधि है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बिना रुकावट डाले प्रेगनेंसी को रोकता है। आपसे पूछा जाए, डिफिनेशन पूछेगा आपसे, यह पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से आप क्या समझते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, तो आप क्या कहेंगे, यह वह विधि है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बिना रुकावट डाले प्रेगनेंसी को रोकता है। एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव के कई गुण होते हैं, बहुत सारा कैरेक्टर होना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव के कौन कौन से गुण होते हैं, तब पहला चीज याद रखिएगा, ध्यान से सुनते जाएंगे आप, ठीक ना। इसका पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, तो उपयोगकर्ता को कॉपुलेशन के समय आरामदायक एवं आसान होना चाहिए। कोई भी यूजर है, कोई भी उपयोग करता है, वो किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल कर रहा है ना, और अगर उसको यूज में करने में, उपयोग करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो कभी इस्तेमाल करना चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ कि उपयोगकर्ता को कॉपुलेशन के समय आरामदायक एवं आसान होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या होगा कि इसे कम कीमत पर सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए। अगर कीमत इसकी ज्यादा रखी जाएगी कोई खरीदना नहीं चाहेगा, है ना। तो भाई कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो, है ना, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मींस मेथड हो, है ना, जिसका इस्तेमाल में मींस लाया जा रहा है, सबसे पहली बात कि उसकी कीमत कम होनी चाहिए और उसे हर एक जगह, है ना, सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट में क्या बताया, है ना, इसे कम कीमत पर सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए। चलिए तीसरा पॉइंट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब कोई इस्तेमाल करे और उसका बॉडी पर दूसरा इफेक्ट पड़ जाए, बैड इफेक्ट आना शुरू हो जाए, कोई नहीं चाहेगा कि हम इसका इस्तेमाल करें। तो भाई तीसरा पॉइंट में क्या होगा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या अगर साइड इफेक्ट है भी तो बहुत ही कम होना चाहिए, माइनर, है ना, ताकि अगर बॉडी में साइड इफेक्ट आया भी तो पता ना चले, ठीक है। चौथा, इसे प्रेगनेंसी के विरुद्ध पूरी तरह से प्रभावी होना चाहिए।
भाई प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके इस्तेमाल के बाद भी प्रेगनेंसी अगर उत्पन्न हो जाए तो भी कोई इस्तेमाल करना नहीं चाहेगा। इसका मतलब चौथा पॉइंट में क्या बताएं कि इसे प्रेगनेंसी के विरुद्ध पूरी तरह से प्रभावी होना चाहिए। चलिए एक बार और हम आपको बताते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव के कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला गुण, उपयोगकर्ता को कॉपुलेशन के समय आरामदायक एवं आसान होना चाहिए। दूसरा, इसे कम कीमत पर सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए या बहुत ही कम होना चाहिए। चौथा, इसे प्रेगनेंसी के विरुद्ध पूरी तरह से प्रभावी होना चाहिए। कहिएगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंतर्गत आता है क्या? तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कई तरह का होता है बाबू, तो क्या क्या होगा? जैसे आता है आपको, पहला नेचुरल या ट्रेडिशनल बैरियर, दूसरा IUDS, इसका पूरा नाम होगा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसी में और क्या आएगा? तीसरा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसी में आएगा इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड। तो ये सब जितना भी आपको हम बताए ये सभी मींस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंतर्गत आता है बाबू, ठीक है। अब इसको हम बारी बारी से क्या करेंगे, आपको बताते हैं कि आखिर नेचुरल या ट्रेडिशनल बैरियर में क्या होगा, इंट्रायूटेराइन डिवाइस कितना टाइप्स का होता है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, इम्प्लांट्स किसको कहते हैं, सर्जिकल मेथड में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला नेचुरल या ट्रेडिशनल बैरियर का, ठीक है। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं नेचुरल या ट्रेडिशनल बैरियर की, आखिर नेचुरल या ट्रेडिशनल बैरियर है क्या, इसको आप लोग प्राकृतिक या परंपरागत विधि कहिए, है ना। नेचुरल या ट्रेडिशनल बैरियर का मतलब होगा प्राकृतिक या परंपरागत विधि। तो पहला नेचुरल या ट्रेडिशनल, नेचुरल या ट्रेडिशनल बैरियर। अब देखिए नाम ही है बाबू नेचुरल, इसका मतलब ये प्राकृतिक विधि है। और सबसे बड़ी बात कि कॉन्ट्रासेप्शन को रोकने के लिए इस विधि को अपनाने पर किसी भी प्रकार के कोई भी कॉस्ट कीमत की आवश्यकता नहीं, कुछ खर्च नहीं होगा, है ना, बस इसमें केयर करना है। तो नेचुरल या ट्रेडिशनल बैरियर के अंतर्गत जो पहला, ये तीन तरह से होता है, इसमें सबसे पहला आपका आएगा, देखिएगा नेचुरल या ट्रेडिशनल बैरियर में सबसे पहला जो मेथड है, नेचुरल या ट्रेडिशनल बैरियर में जो सबसे पहला मेथड आएगा बाबू वह है पीरियोडिक अवस्टिनेंस, है ना। तो देखिए जो सबसे पहला मेथड है उसको कहते हैं पीरियोडिक अवस्टिनेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है सुरक्षित काल, सुरक्षित समय आप कहिए। तो कहिएगा इसमें होता है क्या, अब आप याद करना, हम पिछले चैप्टर में आपको क्या बताए थे कि फीमेल में, है ना, बताए थे फीमेल में, फीमेल में जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन की जो क्रिया होती है यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में होता है, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बाबू 28 दिन में, रिपीट होता है ना,
बीच मतलब उसको आधा कीजिए तो 14 दिन। ऐसे भी आपको बता चुके हैं कि ओवुलेशन की क्रिया कब होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन। तो देखो 14th है ना डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में ह्यूमन फीमेल में ओवुलेशन की जो क्रिया होती है यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है। और यह भी बताए थे कि ओवुलेशन के अगले 2 दिनों तक मतलब अगले 48 घंटे तक यह फर्टिलाइजेशन हो सकता है बाबू। तब सोचो ध्यान दीजिएगा है ना, 14वां दिन हुआ ओवुलेशन, एक अगला 2 दिन तक 15-16 यह फर्टिलाइजेशन का संभावना यहां पर ज्यादा होता है, ठीक ना। ये 3 दिन जो है, ये 3 दिन आपको जो बताए ये किसी भी फीमेल के लिए डेंजरस जोन के अंतर्गत आता है। ये 3 दिन सबसे ज्यादा फर्टिलाइजेशन की संभावना यही 3 दिन होती है बाबू। अब इस 3 दिन में, अब 3 दिन इसको सुरक्षित काल में रखना है तो आगे की ओर 1 दिन और बढ़ा दो, 1 दिन और लेके चलते हैं 17। अब पीछे भी क्या कर दो, 2 दिन और कर दो, 13वां दिन इसका ओवम का मैच्योरेशन फुल मैच्योर्ड होगा, 1 दिन और घटाइए है ना 12 कहिए, और अगर सुरक्षित करना है तो चलिए 11 कर देते हैं। इसका मतलब अगर कोई फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के इस 11वें दिन से लेकर अगले 17वें दिन तक मतलब मात्र 1 सप्ताह का जो टाइम है, अगर इस पीरियड के दौरान इस दिन में है ना अगर कॉपुलेशन की क्रिया को परफॉर्म ना करें तो उस फीमेल में प्रेगनेंसी की संभावना कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। मतलब यदि कोई फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 11वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक अगर कॉपुलेशन की क्रिया से बचता हो तो उसमें प्रेगनेंसी उत्पन्न नहीं होता है बाबू, है ना। तो ये आपका ये हुआ सुरक्षित काल। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसका दूसरा जो मेथड है वह है विथड्रॉवल, या इसी को कहा जाता है क्वाइटस इंटररप्टस, विथड्रॉवल या क्वाइटस इंटररप्टस, ये दूसरा मेथड है। इसमें क्या होगा, तो इसमें मेल जो होता है कॉपुलेशन के समय, ध्यान से सुनिएगा, इसमें मेल कॉपुलेशन के समय इजाकुलेशन की क्रिया से पहले अपने पेनिस को फीमेल के वेजाइना से बाहर निकलता है जिससे इनसेमिनेशन की क्रिया नहीं होती है ना। कहने का मतलब हुआ आपको तो बताए थे कि इजाकुलेशन किसको कहते हैं, तो आपको ये बताए थे बाबू कि कॉपुलेशन के समय मेल के पेनिस से सेमिनल फ्लूइड बाहर निकलता है, तो पेनिस द्वारा सेमिनल फ्लूइड के बाहर निकलने की क्रिया को ही कहा जाता है क्या, इजाकुलेशन। तो वही आपको हम बताए कि मींस इजाकुलेशन की क्रिया से पहले कॉपुलेशन की क्रिया को कर रहा है, और जैसे ही पेनिस से सेमिनल फ्लूइड या स्पर्म बाहर निकलने वाला हो उसी समय वह पेनिस को क्या कर दे, फीमेल के वेजाइना से बाहर की ओर अगर वो खींच लेता है तो इनसेमिनेशन होगा नहीं, है ना। कभी भी मींस सेमिनल फ्लूइड या स्पर्म उसके फीमेल के वेजाइनल ऑरिफिस में जाएगा नहीं, तो जब जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी नहीं, है ना। तो दूसरा मेथड में आता है विथड्रॉवल या क्वाइटस इंटररप्टस, ठीक है। अब देखिए एक विधि इसका और आता है जिसको कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, एमेनोरिया। अब यहां पर समझो बाबू, कहिएगा लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया जो होता है ये पार्चुरिशन के बाद की अवस्था होती है। तो पिछला चैप्टर में पार्चुरिशन क्या है हम पढ़ा चुके हैं बाबू। पार्चुरिशन कहा जाता है चाइल्ड बर्थ को, बच्चे के जन्म लेने की अवस्था को हम लोग पार्चुरिशन कहते हैं, बच्चे के जन्म लेने की अवस्था को पार्चुरिशन कहते हैं। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया जो होता है ये पार्चुरिशन के बाद की अवस्था होती है, या आप कहिए यह अधिक ब्रेस्ट फीड की अवस्था होती है ना। बच्चे को
अगर कंटिन्यूअस वे में ब्रेस्ट फीड कराया जाए तो उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया नहीं होती है। कहने का मतलब है कि जन्म के बाद अगर वो बच्चा केवल अपनी मां के दूध पर ही अगर डिपेंड रहता हो, बाहर का कोई वस्तु नहीं खाता हो, तो जब तक वो पूरी तरह से मां के दूध को ब्रेस्ट फीड जब तक पूरी तरह से करेगा, उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता नहीं है, इसलिए प्रेगनेंसी की संभावना उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन कहिएगा कि आखिर यह विधि कब तक लागू होगा, तो यह जो विधि होता है यह अधिक से अधिक मैक्सिमम यह अगले 6 महीने तक ही प्रभावी होता है। मतलब 6 महीने के बाद उस फीमेल में फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया प्रारंभ होती है और प्रारंभ होने के बाद फिर उसमें ओवुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो सकती है और वो फीमेल फिर से प्रेगनेंसी है ना, या उस फीमेल में फिर से प्रेगनेंसी उत्पन्न हो सकता है। चलिए यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला इसी में टॉपिक्स और है ना, चलिए उसके बारे में बताते हैं। उसका नाम है गॉसी पॉल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको हम बता रहे हैं इसी के अंतर्गत आता है, वह है बाबू गॉसी पॉल। तो कहिएगा यह गॉसी पॉल है क्या, तो समझिए गॉसी पॉल जो है यह एक प्रकार का येलो पिगमेंट है, पीला वर्णक होता है। कहिएगा ये पाया कहां जाता है, तो याद रखिएगा ये कॉटन सीड में मौजूद होता है, रुई का जो बीज होता है ना उसी में गॉसी पॉल मौजूद रहता है। इसका रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला जो होता है ये होता है C30H30O8, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है बाबू। तब कहिएगा इसका यूज किसके द्वारा होता है या कौन यूज करता है, तो देखिए ये गॉसी पॉल जो होता है येलो पिगमेंट है, कॉटन सीड में पाया जाता है। मींस इसे 10 से 20 मिलीग्राम की मात्रा में, कितना में, 10 से 20 मिलीग्राम की मात्रा में माउथ के द्वारा है ना, अगले कब तक, 3 महीने तक है ना, प्रतिदिन, और तब 3 महीने के बाद है ना 20 मिलीग्राम की मात्रा में है ना सप्ताह में, वीक में है ना, मींस कितना दिन, तो 2 डेज है ना। ध्यान दीजिएगा उपाय क्या बताए, गॉसी पॉल जो है यह एक प्रकार का येलो पिगमेंट है, कॉटन सीड में रुई के बीज में पाया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र C30H30O8 होता है, इसे 10 से 20 मिलीग्राम की मात्रा में माउथ द्वारा प्रतिदिन 3 महीने तक और तब इसके बाद 20 मिलीग्राम की मात्रा में सप्ताह में 2 बार दिया जाता है। तो कहिएगा ये करेगा क्या है ना, तो इसका काम क्या है, यहां पे लिखते हैं बाबू प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब ये जो होता है ये गॉसी पॉल का इस्तेमाल फीमेल के द्वारा नहीं किया जाता है, ये मेल के द्वारा ये यूज में लाया जाता है, और यह कोई भी मेल जब इसका इस्तेमाल करेगा तो मींस जब तक इस्तेमाल करता रहेगा जब तक उसके टेस्टिस में अस्पर्म का फॉर्मेशन होगा नहीं, मतलब ये जो होता है पिगमेंट अस्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को रोक देता है। मतलब सब खुद सोचिए टेस्टिस में अस्पर्म नहीं बनेगा, तो जब बनवन करेगा है ना तो फर्टिलाइजेशन कभी उत्पन्न हो पाएगा वहां पर, कभी नहीं होगा। मतलब आपसे पूछा जाए कि गॉसी पॉल हेल्प्स इन प्रिवेंट ऑफ है ना, गॉसी पॉल हेल्प्स मींस प्रिवेंट ऑफ, ऑप्शन में रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा में रहेगा ओजेनेसिस, तीसरा में रहेगा बोथ, चौथा में नहीं है ना, तो क्या होगा, यह मुख्य रूप से स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को ही रोकता है ना, टेस्टिस में स्पर्म को बनने नहीं देता है। चलिए यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, यह आपका पहला मेथड बताया है ना, नेचुरल या ट्रेडिशनल बैरियर में ये आपका मुख्य रूप से ये 3 मेथड आया, उसी में एक पिगमेंट के बारे में बताया गॉसी पॉल जो काम क्या करता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को रोकता है, ठीक ना। इसी में आपका नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है मैकेनिकल या बैरियर मेथड। ये मैकेनिकल या बैरियर मेथड में क्या होता है, जस्ट इसको अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे बाबू, यहां तक आप ध्यान से देखिए, जो पॉइंट बाई पॉइंट जो टर्म लिखते हैं
आप लोग हो सके तो कॉपी में नोट करते जाइए, है ना। कुछ स्टूडेंट बार बार मैसेज करके ये कहते हैं कि सर नोट्स कब दीजिएगा। बाबू है ना, नोट्स पहले हमको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही दे पाएंगे, और लिखने में अभी थोड़ा सा समय है ना। बेहतर है कि कुछ नहीं तो कम से कम आप अपना ऑब्जेक्टिव, ऐसे भी दोनों एग्जाम के लिए आप इंटर का एग्जाम भी देते हो तो 50% तो ऑब्जेक्टिव ही आता है ना। नीट मेडिकल का एग्जाम दीजिएगा, उसमें 100% ऑब्जेक्टिव रहता है ना। तो अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो मेन मेन टर्म जो बताए हैं उसको आप नोट करते जाइए, है ना। जब भी क्लास ओपन होगा नोट्स तो आपको हम पूरा 100% प्रोवाइड करेंगे। हाँ, तत्काल कुछ दिनों तक अभी नोट्स अवेलेबल नहीं कर पाएंगे। हाँ, लिख देंगे तो आपको PDF के द्वारा नोट्स आपके ग्रुप में सेंड कर दिया करेंगे, ठीक ना। फिलहाल के लिए जो भी आपको हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, एक बार देखिए, समझ में नहीं आए बार बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, देखने में थोड़ी पैसा कोई खर्चा होता है ना, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में बाकी